हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी वही मेरा रूटीन शुरू है, सोचा वीडियो शुरू कर लेती हूँ। कल मेरा वीडियो, कल तो बना था, परसों नहीं बना था। दो दिन से मैं अपना कोई काम में लगी हुई हूँ, बिजी हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता। कल तो ऐसे ही बन गया कि कल फादर्स डे था, इसीलिए सोचा शुरू करूँगी, अच्छा सा वीडियो भी बनेगा और अच्छा सा फादर्स डे सेलिब्रेट भी करेंगे। पर कुछ नहीं हुआ। शाम में बरसात आने से सब मतलब ख़राब हो गया और दोनों का मूड ख़राब था। वैसे तो पीयूष के पापा का तबीयत ख़राब था, आज तो फिर भी ठीक है, कल तो और ज़्यादा था। तो दिन भर उनका यही था कि सर्दी जुकाम हो जाता तो आज कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वही हाल उनके साथ था। फिर भी उन्होंने जो बोल रहे थे बच्चे वैसे वैसे कर भी दिया है, नहीं तो उनको ये सब चीज़ पसंद कम आता है थोड़ा। और उसके बाद रात में तो जैसे 6, 5:30, 6 बजे बरसात आना शुरू हुआ, तो 8 बजे तक, लगभग 8, 8:30 बजे तक बरसात आ। उसके बाद तो कहीं बाहर जाना होता नहीं है, जो शाम में जाके कुछ ले आए। तो फिर मैंने बच्चों को कुछ ने समोसा मंगवा के दिया, समोसा भी नहीं, वही जो क्या बोलते रोल बन आता है वही मंगवा के दिया, तो वही बच्चे खा लिए। खुश तो नहीं हुए, उदासी है, चौपट हो गया। मम्मी क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। अभी आज है मंडे दिन और डेट है 20 जून। हाँ, 20 जून है। पीयूष लड़की का चार दिन से सर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। वो तो अभी दोनों पढ़ने के लिए बैठे, ऐसे तो बैठते नहीं, डांट खाया तब पढ़ने के बैठे हैं। बाहर में कोई काम हो रहा, उसका आवाज़ आ रहा, उसके लिए सॉरी। मैं यहाँ बैठ के सब्जी काटूँगी। मैंने मशीन लगाया है, तो मैंने मशीन लगाया, लाइट चला गया है। जब लाइट आएगा तब कपड़े धोऊँगी, पहले मैं सब्जी छोंक दूँगी, पहले काटूँगी सब्जियाँ बैठ के, फिर छोंकूँगी। अब मौसम तो मतलब कि ना ही हवा चल रहा है, ना ही धूप है, ना ही बरसात है, कुछ नहीं, एकदम सुम सम, एक अजीब सा मौसम है। मतलब कि गर्मी भी नहीं बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता ऐसा मौसम। थोड़ा हवा चले तो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़ा भी सूख जाए, घर भी सूख जाए। अगर पोछा लगाओ तो घर पूरा लगता सीमा सीमा। सुबह से लगाया है पोछा, सॉरी, सूखता नहीं है ना, तो फिर वापस पैर ऐसे कैसे लग जाता है। कितना देर पंखा चला के रखूँ, सूखता ही नहीं जल्दी से। मौसम भी ऐसा ख़राब हो रहा है। ठीक है, चलते हैं, लगते हैं अपने काम में। इसके बाद दोनों का पढ़ाई चालू है। पीयूष भी यहीं है, लक्की भी यहीं है। पीयूष का थोड़ा सा सुबह सुबह का रहता है, नहाने के बाद इसको नाक बहना शुरू हो जाता है, छींक आना शुरू हो जाता है। हमेशा का यही रहता है इसका, ज़्यादातर सुबह सुबह इसको छींक बहुत ज़्यादा आता है, तो वही है, मिनट मिनट में इसको बाहर जाना पड़ता है। तो दोनों लगा हुआ पढ़ाई में। आपको मैं मौसम दिखा देती हूँ, गजब मौसम किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा काम करे कौन सा नहीं। वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हवा भी नहीं है उतना तेज। अभी चलूँगी किचन में, यही खाना नाश्ता बनाना है। आते ही मैं पहले सब्जी के काट के लेके आई हूँ, वही तोरई का सब्जी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। वैसे इस समय मेरे यहाँ पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है, पीयूष लक्की के, पीयूष लक्की को छोड़ के हम तीनों को तो आ जाता है। पीयूष लक्की के लिए अलग से नाश्ता बना दूँगी अभी के लिए, हम सबका तो यही सब्जी दोनों में हो जाएगा, नाश्ता में भी खाना में भी हो जाएगा तीनों के लिए। पीयूष लक्की का नाश्ता थोड़ा सा अलग से होगा, क्योंकि बच्चे खुश होकर खा ले, इसीलिए कभी कभार मैं बना देती हूँ, नहीं तो उसी में अच्छा थोड़ा सब्जी होता है उनके खाने लायक, तो उसी में खा लेते हैं। और उसके बाद मैं सब्ज़ी का छोंक लगाने के बाद बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी। पहले सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम लगेगा। अब उनके लिए चावल फ्राई करूँगी, चावल फ्राई करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, उसमें कुछ नहीं डालना रहता है, केवल मैं राई का तड़का लगा दूँगी, जीरा भी नहीं डालूंगा, केवल राई का तड़का लगा के हरी मिर्च और नमक डाल दूंगी बस। बहुत मन खुश होके खा लेते हैं दोनों, साधारण सा रहता है। अभी नाश्ता दोनों को दे दूंगी, तो पहले दोनों खा लेंगे। मम्मी अभी नहाई ना, मम्मी नहा रही है, जल्दी उतना लेट नहीं हुआ, 10 भी नहीं बजा होगा अभी,
टाइम आपको दिखा भी दूंगी होगा तो। अब मेरा कपड़ा धुल रहा है, लाइट आ गया है, अब मैं अपना अंदर काम भी कर रही हूँ, सब्जी होते रहेगा, मैं इधर कपड़ा वाला काम कर लूँगी। आज टीवी चालू नहीं किया तो दोनों का खाना चल नहीं रहा है। ये खाना खाने के बहुत देर बाद का है, इसका खेलना शुरू हो गया है। इसका यही रहता है, मतलब कि हमेशा से ये अकेले में खुश रहने वाला बच्चा है, खेलते रहेगा, गाना गाते रहेगा। इसका बाद में मैं आपको गाना भी सुनाऊंगी। अब मैं अपना काम में लगी हूँ, कपड़ा मेरा धुल चुका है, केवल ड्राई करूँगी, सूखने का तो कोई चांस नहीं है, हवा भी नहीं है, बाद में आ जाए तो पता नहीं धूप, अभी तक तो कुछ नहीं है। मम्मी अपना पूजा कर रही है, मम्मी का थोड़ा लेट लेट होता है क्योंकि धीरे धीरे काम करती है ना, इसीलिए थोड़ा लेट लेट रहता है, जल्दी तो होता नहीं। मम्मी से नहाने में भी टाइम लगता है, फिर पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे चाय के साथ मम्मी का बिस्किट हो जाता तो उतना जल्दी भूख नहीं लगता, चाय बिस्किट या फिर टोस्ट कुछ ना मतलब कि खा लेते हैं चाय के साथ, तो उतना जल्दी नाश्ता का नहीं रहता। पहले तो नहीं खाते थे, पर अभी दवाई लेते हैं ना तो इसलिए खा लेते हैं। दवाई बिना खाए तो दवाई ले नहीं सकते। अभी मम्मी को भी जुकाम लगा हुआ था, अभी तो ठीक है, दो दिन से पहले, दो दिन में जुकाम मम्मी को सबसे पहले लगा था, उसके बाद भी उसके पापा का लगा था। वैसे मेरा ज़्यादातर काम हो चुका है, नाश्ता पानी नहीं हुआ, 11 बज रहा है, कपड़ा सुखाना बाकी है, धुल चुका है, मौसम वही है जो पहले मैंने आपको दिखाया, धूप बिल्कुल नहीं है। कपड़ा मैंने सब धो के सुखा तो दिया है, पर सुखा धोते धोते में मेरा आज सबसे ज़्यादा लेट काम यही हुआ है, नहीं तो कपड़ा धोने का काम मेरा पहले होता है, फिर खाना बनाने खाने का होता है। आज मेरा कपड़ा धोने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्या कि लाइट चला गया था इसीलिए, नहीं तो वही टाइम रहता कपड़ा धोने का भी मेरा। उसके बाद चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए नाश्ता हो चुका है सबका, यही दोनों अपना कर देता है, फिर डांट खाता तो चादर सही करता है, फिर वापस वैसे ही कर देगा, खेल खेल में कर देता है। अभी तो टीवी चालू है, इसके बाद ये शाम का है, मौसम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस समय का, अभी ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, 5 बज रहा है, हवा चल रहा पूरा। अब बहुत दिन बाद मैं मतलब कि बाहर बैठ के इस समय सब्जी काट रही हूँ, वैसे तो पहले कर देती थी पर अब तो रोज़ बरसात रहता है। आज भी अभी जैसे सब्जी काट रही हूँ उस समय बरसात नहीं था, 7-8 बजे तक कुछ नहीं था, 8 बजे के बाद बरसात होना शुरू हुआ था, तो मेरा काम हो गया था आज, मेरा खाने पीने का काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया क्योंकि अभी से मैं तैयारी करना शुरू कर दिया मैंने, तो फिर मैं चाय दूध गर्म करूँगी, उसके बाद सब्जी मतलब कि छौंक लगा दूँगी, तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होता है मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है, कभी कभार इंतज़ार करते रहो सब्जी का तो बहुत लेट से हो जाता है। या इनका मस्ती चालू है, बस ये आ जाता तो इसका मस्ती शुरू है, दोनों तीनों खा रहा है। इसको पीयूष ज़्यादा पसंद है, पीयूष को मतलब कि दे देता है खाने के लिए, लक्की को डांट रहा है। अभी इसको देख लीजिए बदमाशी, मतलब कोई नहीं देखता तो ये ऊपर तक चला जाता, ये तो हम लोग देख रहे थे तो पकड़ के खींच रहे हैं फिर भी नीचे नहीं आ रहा है, इतना मतलब कि बदमाशी है इसका। अभी 7:45 हुआ है, 8 बजने वाला है, अब मैंने खाना मतलब आटा लगा दिया, सब्जी बना के छोड़ दिया, सब्जी बनाया है आलू का, क्या कि सुबह तोरई का सब्जी बना था तो पीयूष लड़की को तो तोरई की सब्जी कम पसंद है, पर इस समय मेरे यहाँ ना तोरई की सब्जी पीयूष के पापा को मम्मी को मेरा फेवरेट हो रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, बचता है दिन में और सुबह नाश्ता में दोनों में हो जाता है, सबको पसंद आता पर पीयूष लड़की को कम पसंद आता है, इसीलिए मैंने अभी आलू का सब्जी बनाया है, क्योंकि सुबह इतना सुबह इसीलिए दोनों के लिए मैंने ये चावल का फ्राई कर दिए थे चावल को, तो दोनों ने फिर रोटी खाना ज़रूरी नहीं समझा, वही चावल फ्राई करके दिए, तो दोनों बार हो गया, नाश्ता में भी हुआ और खाना में भी हो गया था दोनों का, इसलिए मैं अलग से थोड़ा सा कर देती हूँ कि बच्चे फिर भूखे नहीं रहे, अलग से बना के थोड़ा सा दे देती हूँ। अभी आलू का सब्जी बना दिया है तो मम्मी ने खाएगी, तो मम्मी तो वैसे भी इस समय दूध रोटी खाती है तो मम्मी का तो उतना जरूरी नहीं रहता, इसीलिए मैं ज़्यादातर दिन में आलू का सब्जी बनाने का कोशिश करती हूँ। अभी पीयूष लड़की का पढ़ाई चल रहा है, सर आए हैं 3-4 दिन बाद, कहीं गए होंगे इसीलिए आज 3-4 दिन बाद आए हैं, हो गया अभी छुट्टी होने वाला होगा 10-15 मिनट में, तो पीयूष लड़की फिर अपना मस्ती में मगन हो जाएगी, तो सोचा बैठ के थोड़ी देर में पहले बात कर लेती हूँ,
इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, क्या कि बाद में भूल जाती हूँ मैं, तो बात करके वीडियो का एंड नहीं कर पाती हूँ। अब मेरे यहाँ का मौसम कैसा है जो मैंने सामने आपको दिखाया था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हालांकि दोपहर में इतना ज़्यादा मौसम अच्छा था कि हम लोग चादर ओढ़ ओढ़ के सोए थे सबको, मतलब मम्मी का तो वैसे भी थोड़ा सा जुकाम है, फिर उसके पापा को भी, तो उनको तो वैसे भी थोड़ा लगता होगा ठंडी। मेरा आदत है, मेरा रूम इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, पंखा चालू करके बंद करके छोड़ दो, अच्छा रूम ठंडा हो जाता है, इसीलिए हवा वैसे अच्छा चल रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है। नहीं तो बरसात हुआ है, शाम के समय बरसात नहीं हुआ है, इसीलिए मौसम अच्छा हो रहा है, मन भी अच्छा लग रहा है इस समय। मतलब कि बाहर बैठ के भी कोई काम करो, अंदर बैठ के करो तो हो जाता है, नहीं तो बरसात होता तो कहीं मन नहीं लगता है, चिट हो जाता पूरे, सब जगह पानी पानी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।